शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय आगरा टोला में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से बाल श्रम कराए जाने का मामला सामने आया है। यहां के शिक्षक का आदेश है कि बच्चों को कक्षा में जाने से पहले हर दिन पानी भर कर रखना होगा। अपने शिक्षक के आदेश का पालन करते हुए हर दिन विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित हैंडपंप से छात्राएं सबसे पहले एक बड़े प्लास्टिक की बाल्टी नुमा टंकी में पानी भरती हैं। इसके बाद दो चार छात्राएं उसे धीरे धीरे उठाकर स्कूल तक लेकर आती हैं। पानी की भारी बाल्टी वो उठाने के लायक छात्राएं नहीं हैं, लेकिन गुरु के आदेश पर मजबूरी में उन्हें यह काम हर दिन करना पड़ता है। किसी तरह छात्राएं रुक रुक कर पानी की टंकी को स्कूल के द्वार तक लाकर रखती हैं। पता चला है कि स्कूल परिसर में स्थित हैंडपंप काफी समय से खराब पड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों को पीने के लिए स्कूल से कुछ दूर सड़क के किनारे स्थित हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पर भृत्य की पदस्थापना भी है। शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं से पानी भरवाना पर कई अभिभावकों ने आपत्ति जताई। इसका खामियाजा पढ़ाई की उम्र में छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। कौन सा पंगा